अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदारदीप खान और आप देख रहे हैं हमारा ट्विटर हैंडल। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पेशावर के सीनियर रहनुमा हैं नज़ाकत अली खान साहब। नज़ाकत साहब, कैसा देखते हैं आज जैसे उमरत बंदियाल साहब ने एक तारीखी फैसला दिया है और उन्होंने जो इमरान खान साहब की पटिशन थी उन्होंने दायर की थी, जो पी डी एम हुकूमत में जो नायब तरामीम की गई थी उनको करदम करार दे दिया और इमरान खान की दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया, इस फैसले को सर कैसा देखते हैं और क्या करेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम तैयब खान। मैं जस्टिस उमर अता बंजार की शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जाते जाते बहुत अच्छा फैसला, अवामी फैसला जिस पे अवामी मैंडेट को फ़ायदा पहुँच सकता है वो फैसला सुना दिया है और अवाम के दिल उन्होंने जीत लिए हैं। और इस पिटीशन पे जो इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी पीडीएम वालों ने उन्हें कलदम कराया, आज उनको शिकस्त हो गई। अभी ये उमर अता बंजार साहब के फैसले से पता लग रहा है कि कानून दोनों तरफ लागू हो रहा है और इस पे हम शुक्रिया अदा करते हैं पीटीआई वर्कर आल सोशल मीडिया की तरफ से और उसकी जितनी भी हम शुक्रिया और अदा करें ये काम है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन जैसा कि नज़ाकत खान साहब ने कहा है कि पीटीआई के कारकुनान की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कोई पीटीआई के वर्करों का नहीं बल्कि पूरी कौम का। और अभी ये भी बात है तैयब खान के हमारे पीटीआई वर्करों को ग्राउंड वर्क से निकलना चाहिए, प्रैक्टिकली वर्क पर आना चाहिए ताकि हमें इस तरह फैसले मज़ीद आसानी से मिल सके और हम इन लुटेरों चोरों से छुटकारा हासिल कर सके और आवाम तरक्की की तरफ गामजन हो गए। जी बल्कि इनका यही कहना है कि इन चोरों लुटेरों से निजात मिले और जल्द अज जल्द आवाम जो है इन चोरों लुटेरों से जल्द इस फाशिस्ट हुकूमत का जो है खात्मा हो सके और जल्द से जल्द जो अलवी साहब ने 6 नवंबर की तारीख दी इंतखाबात की उस तारीख पर इलेक्शन कराए जाए। हमारे हैंडल को फॉलो करें, पीटीआई के नॉर्थ पंजाब ऑफिशियल को भी फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको हर तरह के अपडेट इंशाल्लाह नज़ाकत खान साहब और मैं हर हफ्ते को अपने वीडियो प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह। और इमरान खान साहब तक हमारा यही मैसेज है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डट के खड़े हैं इन चोरों लुटेरों डाकुओं के खिलाफ और वो इंशाल्लाह कभी भी इनके सामने नहीं झुकेंगे और उनको किसी किस्म का कोई डर नहीं है और वो हकीकी आज़ादी के लिए अपना जो स्ट्रगल है वो जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम।